बच्चों आज सबको एक एक पिगी बैंक दिया जाएगा। उस पिगी बैंक में आप लोग अपने दोस्तों पड़ोसियों और जान पहचान वालों से डोनेशन लेकर आएंगे। ये पैसा उन बच्चों की किताबों और स्कूल फीस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं। आई बात समझ में बच्चों? ये पिगी बैंक तो बहुत छोटा है। लो, मुझे दो ये पिगी बैंक, तुम्हारे किसी काम का नहीं। मुझे कम से कम 2-3 चाहिए, एक पिगी बैंक से मेरा मन नहीं भरेगा। वीर, वो देखो, बंटी मेरा पिगी बैंक ले गया। बंटी, उनका पिगी बैंक वापस करो। आओ, हिम्मत है तो ले लो। मौका मिला है, वीर की अच्छी धुलाई कर दो, यहाँ कोई नहीं है। कभी किसी को तंग किया तो देखना। वीर, अपना ध्यान रखना, फोन करना, अपना हाल चाल बताते रहना। दादाजी बस करिए, हम सिर्फ एक दिन के लिए जंगल सफारी जा रहे हैं, सुबह जाके रात तक वापस आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना बेटे? सॉरी दादाजी, जब आप मुझे बेटा कहते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं सचमुच इंसान हूँ। तुम मेरे लिए इंसान ही हो वीर, मेरे जिगर के टुकड़े हो। लो अब नाश्ता कर लो। वीर, मैं तुमसे एक बार भी नहीं कहूँगा कि मुझे अपने साथ जंगल सफारी ले चलो, क्योंकि तुम मना कर दोगे, इसीलिए मैं और चिंटू खुद ही वहाँ जा रहे हैं। बाय। अगड़म बगड़म आलम फालम। रुको, ये अगड़म बगड़म बंद करो। पैसे मांग रहा है हाँ? हम पैसे देते नहीं, लेते हैं। अरे कोई रोको उन्हें, चोर चोर, वो मेरे रुपए लेते हैं। अरे रोको। तुम बस में जाके बैठो, मैं अभी आया। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। दुकानदार के पैसे वापस करो। ये वीर कहाँ चला गया? सर, वो आता ही होगा। कक्कड़ सर, एक बार उसे छोड़ के आ जाएंगे तो दोबारा लेट नहीं होगा। बस ड्राइवर, बस चलाओ। सर, सर। मेरे पैसे। थैंक यू रोबो बॉय। मिस्टर कक्कड़, नेक्स्ट टर्निंग पे वीर आपका वेट कर रहा है, उसने लेट आने के लिए सॉरी बोला है। रोबो बॉय, मेरा नाम क्या था? ओके रोबो बॉय। We'll be right back.
जंगल सफारी जा रहा है बॉस। उसके स्कूल वाले कितने अच्छे हैं और एक आप हैं। आप हमें कभी कहीं नहीं ले जाते। तुम हमेशा छोटा ही सोचते हो। मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आ रहा है। चलो आज डम्प शिराज खेलते हैं। ये डम्प शिराज क्या होता है? इसके दो ग्रुप होते हैं। एक आदमी इशारे से कोई चीज या फिल्म का नाम अपने ग्रुप को समझाता है और उनको बताना होता है कि वो क्या बताना चाहता है। मुझे डम्प शिराज बहुत अच्छा गेम लगता है। बहुत मजा आता है। चोर, चोर, पकड़ो! अरे कोई पकड़ो! दी, वो देखो, चोर, मम्मी का पर्स लेकर भाग रहा है। ए, रुक जाओ, ए! मैं सपना देख रहा हूँ। ये बच्चा इतनी तेजी से साइकिल कैसे चला सकता है? बचाओ! बच्चे, मुझे छोड़ना मत, प्लीज बचा लो, बचा लो। ठीक है, जाओ। आज के बाद फिर चोरी मत करना, वरना पुलिस को दे दूंगा। ये तो बता दो, तुम हो कौन? अच्छाई का दोस्त, बुराई का दुश्मन। नाम है वीर, वीर द रोबो बॉय। थैंक यू वीर, तुमने पर्स कैसे छीन लिया उससे? छीना नहीं आंटी, उसके हाथ से गिर गया और मैं लेकर आ गया। गुड बॉय वीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बाय बच्चों। चिंटू कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, लेकिन अभी बुलाता हूँ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। अपने नाना से मिले हुए सोचो हो गए कितने दिन। नाना जी आप कब आए? चिंटू जिन, जेल से लेडी जिन भाग गई है। तुम्हें याद होगा जब वो जिन पुलिस से छुप के भाग रही थी तो तुमने ही उसे देख के पुलिस को खबर की थी और उसे जेल हो गई थी। हाँ नाना जी, मुझे याद है। जिन पुलिस उसे ढूंढ रही थी और वो भागती हुई आई और एक कुएं में छुप गई थी। मैं वहाँ खेल रहा था, मैंने उसे छुपती देख के जिन पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस उसे पकड़ के ले जा रही थी तब वो चीख चीख के कह रही थी, चिंटू मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी। मैं बदला लूंगी चिंटू, मैं बदला लूंगी। कि डोंकी पावर में कितना असर है। वाह, देखा चिंटू, ऐसे लड़ते हैं। डरने से कोई काम नहीं बनता। अगर चुलबुल लड़ सकता है तो तुम तो जिन हो। चुलबुल, तुम बहुत बहादुर हो। अब मैं लड़ूंगा। तुम अगड़म बगड़म, इकड़म तिकड़म, आलम फालम, धम धमादम बोल के अपने बदन के सामने हाथ से पावर खींचने की कोशिश करो। मेरी पावर्स का मैजिकल बॉल निकल के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, फिर मैं उसे ले लूंगा। पहले यहाँ से घर चलते हैं, फिर ये सब करेंगे। फिर तुम लोग कहाँ थे? दादाजी, वो लेडी जिन आ गई है और चिंटू के पीछे पड़ी है। उसे चिंटू की पावर्स चाहिए। वाह, ये है जिंदगी।
जब चाहो गाजर खाओ, जैसे चाहो गाजर खाओ, लाल हरी नीली पीली मल्टी कलर गाजर खाओ। चुलबुल बस करो ये शो ऑफ। और हाँ एक बात सुनो, वो फिर से भेस बदल के आ सकती है। अगर किसी को किसी पे शक हो तो उसके सामने मत बोलना। हम लोग डम शियाज में बात करेंगे ताकि उसे पता नहीं चले कि हमें उस पे शक हो गया है। मुझे डमशिराज खेलना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये सब चुलबुल कैसे कर रहा है? तुम दादाजी को सब बताओ, मैं बाहर देख के आता हूँ, वो फिर से तो नहीं आ गई। रास्ते में मत आओ, चलो हटो। तुम्हें भारी पड़ेगा दोस्त। अरे हेल्प, बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये कहां से आ गया? चुलबुल ये सब ठीक करो, तुम भी जिंटू की तरह बिहेव कर रहे हो। जल्दी सब ठीक करो और अपनी पावर्स जिंटू को वापस करो। ओ, तो मेरे अंदर से पावर्स निकाल के वापस जिंटू को दिलवाना चाह रहे हो ताकि तुम उसे वापस ले सको। लेकिन मैं उल्लू बनने वाला नहीं, लेडी जिन। बाय बाय।